दोस्तों कई गाड़ियों में पैडल शिफ्टर्स आते हैं। ये पैडल शिफ्टर देखिए स्टेयरिंग के यहाँ पे बैक साइड में इस तरीके से लगे रहते हैं। आज का मेरा ये वीडियो इन पैडल शिफ्टर्स के ऊपर है कि ये पैडल शिफ्टर्स की क्या वर्किंग होती है और इससे क्या बेनिफिट मिलता है। पैडल शिफ्टर्स जो हैं वो आपको ऑटोमेटिक गाड़ियों में ही देखने को मिलते हैं। मैं इस समय हुंडई की क्रेटा के टर्बो SX ऑप्शनल DCT वेरिएंट पे बैठा हुआ हूँ और आज मैं आपको पैडल शिफ्टर्स इसमें वर्क करके दिखाऊंगा कि एक्चुअल में इसकी वर्किंग क्या आती है। देखिए सबसे पहले तो मैं आपको थोड़ा सा ऑटोमेटिक ट्रांसमिशंस के बारे में जानकारी दे दूं, तो ये DCT ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन है, डुअल क्लच के साथ वाली गाड़ी है। नॉर्मली आप कोई भी ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन देखेंगे वो कुछ इसी तरीके से दिखता है, जिसमें पार्किंग, रिवर्स गियर, न्यूट्रल और ड्राइव होता है। साथ में जब हम ड्राइव से इसको लाते हैं इधर की तरफ तो यहाँ पे ये स्पोर्ट्स मोड है, ये एस मोड है, यानी आप यहाँ से भी मैन्युअली गियर्स को चेंज कर सकते हैं कुछ इस तरीके से। तो ये हो गया इसके कह लीजिए ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन की ये ट्रांसमिशन के वर्किंग की बात। अब चलिए मैं पहले तो गाड़ी स्टार्ट करता हूँ और आपको दिखाता हूँ पैडल शिफ्टर्स को प्रैक्टिकली वर्क करा के। तो मैं करता हूँ गाड़ी को ड्राइव मोड पे और चलते हैं। चलिए गाड़ी चल पड़ी और अब आपको दिखाता हूँ पैडल शिफ्टर्स की क्या होती है वर्किंग। देखिए अगर गाड़ी को मैंने ड्राइव मोड पर रखा है तो ऑटोमेटिक गाड़ी क्या करती है कि अपने आप गियर को चेंज करती है। जैसे कि ये हुंडई क्रेटा पे मैं दिखा रहा हूँ, तो यहाँ पे देखिए इसके मीटर पे इस तरीके से जो यहाँ पे लेटर्स लिखे हुए हैं वही लेटर्स देखिए इसके मीटर पे आ गया और जिस मोड पे रहेगा वो हाईलाइट रहेगा। जैसे देखिए इसमें डी हाईलाइट है और डी के आगे 2 लिखा हुआ है, यानी इस समय कार सेकेंड गियर पे है। ये 7 स्पीड पे है तो अभी इस समय फ़िलहाल ये सेकेंड गियर पे है, क्योंकि ट्रैफिक है, मैं गाड़ी को धीमे धीमे ड्राइव कर रहा हूँ, इस वजह से ये अभी सेकेंड गियर पे है। और मैं अभी थोड़ी सी जब स्पीड उठाता हूँ फिर आपको दिखाता हूँ। देखिए जैसे जैसे मैं स्पीड उठाता जा रहा हूँ ये गियर अपने आप चेंज कर रही है, D3 लिखकर आ गया। उसके बाद और स्पीड पकड़ते हैं ये D4, इस तरीके से गाड़ी अपने आप अगर ड्राइव मोड पे है तो गियर्स को चेंज करती है। ठीक है, ये तो हो गया इसके ऑटो ड्राइव की बात कि अगर आप ऑटो यानी ड्राइव मोड पे कर रखा है तो गियर ऑटोमेटिकली चेंज करती रहेगी। इसके बाद आता है इसी के बगल में यहाँ पे ये स्पोर्ट्स पे है, जैसे मैं इसको इस साइड पे करूँगा तो इधर की देखिए डी हट के एस लिखकर आ गया। और अब क्या होगा, अब आपको गियर को इस तरीके से अप या डाउन करके गियर को कम या ज़्यादा करना पड़ेगा। तो यहाँ पे ये हो गया इसका ये स्पोर्ट्स मोड, यानी कुछ में M लिखा होता है मैनुअल मोड, किसी गाड़ियों में स्पोर्ट्स मोड लिखा होता है। तो यहाँ पे टर्मोलॉजी की बात है कि उसमें आपको क्या मिलेगा। तो यहाँ पे आप इस तरीके से मैनुअली गियर को चेंज करते हैं। तो ये तो मैंने आपको दिखाया कि अगर आप ट्रांसमिशन पे गाड़ी ड्राइव करते हैं तो वो इस तरीके से आपको ऑटोमेटिक गाड़ी को चलाना है, या तो डी पे या फिर एस मोड पे गियर को चेंज होंगे। अब आ जाती है पैडल शिफ्टर्स की, जिसके बारे में मैं आज आपसे बात करने जा रहा हूँ कि ये टॉपिक हमारा आज का पैडल शिफ्टर्स को लेकर है। तो अब कुछ गाड़ियों में यानी ऑटोमेटिक गाड़ियों में पैडल शिफ्टर्स भी आते हैं, जो कि स्टेयरिंग पे देखिए ऐसे 2 प्लस एंड माइनस के बटन लगे रहते हैं। मैं वापस गाड़ी को ड्राइव मोड पर पहले तो डालता हूँ, ये देखिए मैंने इसको ड्राइव मोड पे कर दिया। अब यहाँ पे आई बात पैडल शिफ्टर्स की, ये प्लस एंड माइनस 2 लीवर है, आप कोई भी लीवर प्रेस करेंगे तो यहाँ पे देखिए सारे वो हट गए लेटर्स जो भी ऑटोमेटिक ट्रांसमिशंस के थे PRN सब हट गए। अब यहाँ पे सिर्फ 3 लिखकर आ रहा है, यानी गाड़ी इस समय 3 गियर पे है। अब मैं स्पीड उठाऊँगा तो ये गाड़ी अपने आप गियर को चेंज नहीं करेगी। देखिए मैं स्पीड बढ़ा रहा हूँ लेकिन गियर चेंज नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे गियर को अगर आपको प्लस करना है तो यहाँ पे स्टेयरिंग पे जो ये राइट साइड में प्लस वाला बटन है इसको दबाइए, तो ये देखिए गियर 4 पे हो गया। और मैं स्पीड बढ़ाऊँगा तो गियर यानी अब यहाँ पे एक तरीके से ये मैनुअल पे आ गई है, ये गियर अपने आप चेंज नहीं होंगे। गियर आपको स्टेयरिंग से यहाँ पे जब ज़्यादा करने हैं तो प्लस करते जाइए, और अगर आपको कम करने हैं तो यहाँ पे ये जो माइनस का बटन है यहाँ से आप ये देखिए माइनस होते जाएंगे। तो यहाँ पे गियर अब देखिए माइनस पे है और इंजन की नॉइज आपको अगर सुनाई दे रही हो तो मैं रेस दे रहा हूँ, सेकेंड गियर पे है, गाड़ी नहीं भाग रही है क्योंकि सेकेंड गियर कम होता है मुझे स्पीड उठाने के लिए, ये थर्ड गियर या फिर और ऊपर जाना पड़ेगा। लेकिन अगर आपको गियर हाई करने हैं तो हाई देखिए अभी अगर स्पीड लो है और मैं बटन को प्रेस कर रहा हूँ देखिए कंटिन्यूस, तो ऐसा नहीं कि गियर हाई करती ही जाएगी। हाई तभी होंगे जब उतना पर्टिकुलर गाड़ी स्पीड पे आएगी, तभी ये गियर्स अप होते जाएंगे। और डाउन आप चाहें तो स्पीड पे कर सकते हैं तो डाउन हो जाएगा, लेकिन इंजन की नॉइस में चेंज आएगा क्योंकि आप हाई RPM पे गियर कम कर रहे हैं। लेकिन हाई गियर तभी लेंगे जब उतनी पर्टिकुलर स्पीड मेंटेन होगी। तो यहाँ पे अगर मैं स्पीड उठाता जाऊँगा और
गियर आप चेंज कर सकते हैं इन पैडल शिफ्टर से, यानी आप गियर को हाई कर सकते हैं स्पीड बढ़ाते बढ़ाते। तो ये हो गया इसका बेनिफिट पैडल शिफ्टर्स का कि आपकी गियर कंट्रोलिंग जो है वो हाथ पे आ गई, आप अपने अकॉर्डिंग गियर्स को चेंज कर सकते हैं, क्विकली चेंज कर सकते हैं। क्योंकि अगर ऑटोमेटिक ट्रांसमिशंस की बात करेंगे तो उसमें गियर जो होते हैं वो पर्टिकुलर आरपीएम रेस करने के बाद ही जो है गियर शिफ्टिंग होती है, बट यहाँ पे क्या है आप क्विकली गियर्स को चेंज कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू स्पीड, आप गियर्स को हाई कर सकते हैं। तो दोस्तों ये हो गया इसके पैडल शिफ्टर्स की वर्किंग की बात। इसके बाद अगर आपको वापस ड्राइव मोड पे लाना है तो इसमें प्लस वाला जो बटन है इसको दबाए रहिए। देखिए जैसे मैं थोड़ी देर बटन को दबाया ये वापस जो है ड्राइव मोड पे चले गया और पैडल शिफ्टर्स कट ऑफ हो गए। तो ये है पैडल शिफ्टर्स की वर्किंग, यानी अगर आपको इंस्टेंट पिकअप चाहिए, जल्दी जल्दी आप गियर्स चेंज करना चाहते हैं तो आप इसको पैडल शिफ्टर्स मोड पे ले लीजिए और उसके बाद जो है आप गियर्स को माइनस करना हो यानी कम करना है तो माइनस वाला लीवर प्रेस करिए और ज़्यादा करना है तो प्लस वाला लीवर प्रेस करिए। इस तरीके से आप इसके पैडल शिफ्टर्स को वर्क कर सकते हैं। सो दोस्तों मेरा आज का ये छोटा सा वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज़ हमारे कमेंट सेक्शन में जाके बताइएगा। मैं ऐसे वीडियोज़ आपके सामने और भी लाऊंगा। आपने अगर अभी तक मेरे चैनल कार दुनिया को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जैसे ही मैं कोई वीडियो अपलोड करूँ आपके पास उसका नोटिफिकेशन आ जाए। मिलते हैं और भी नए रिव्यूज़ के साथ, तब तक के लिए अपना रखिए ख्याल। थैंक यू।